हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फॉरेन मार्केट सिलेक्शन का जो भी फॉरेन मार्केट सिलेक्शन के जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है उनको हमने प्रीवियस क्लास में क्लासिफाइड कर लिया था। उसमें हमने दो पार्ट्स किए थे, जनरल मार्केट एनालिसिस एंड सेकेंड वन है हमारा स्पेसिफिक। जनरल मार्केट एनालिसिस हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक मार्केट एनालिसिस की कि स्पेसिफिक मार्केट एनालिसिस में हम किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं और किन किन फैक्टर पर हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है परिणामात्मक, सबसे पहला है परिमाणात्मक, क्वांटिटिव मार्केट एनालिसिस, बाजार विश्लेषण। क्लियर है? सेकेंड है हमारा जिसमें हम सारी, फर्स्ट वाले में हम सारी क्वांटिटीज को देखते हैं, फिर सेकेंड है हमारा उपभोक्ता सर्वेक्षण यानी कंज्यूमर सर्वे। कंज्यूमर सर्वे हम कर सकते हैं और हालांकि हमको ये करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम कंज्यूमर के बारे में डिटेल नहीं लेंगे, उनका सर्वे नहीं करेंगे, तब तक हमारे उस हमारी कंपनी का उस मार्केट में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बाजार प्रवृत्तियों का विश्लेषण। मार्केट में जो भी ट्रेंड्स चल रही हैं उन सबको भी हमको क्या करना है, एनालाइज करना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर है प्रवृत्ति एवं राय अनुसंधान। प्रवृत्ति प्रवृत्ति एवं राय अनुसंधान यानी ट्रेंड के बारे में क्या करना है, रिसर्च करना है। फिर हम बात करते हैं ब्रांड स्थिति का निर्धारण यानी ब्रांडिंग, ब्रांडिंग की पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके बारे में पता करना, स्थिति का अनुसंधान। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पर लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट भी। फिर है उत्पाद और पैकेजिंग, उत्पाद एवं पैकेजिंग यानी कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, हमारे प्रोडक्ट में वो सारे क्वालिटी होगी जो एक कस्टमर चाहता है, हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, लेबलिंग कैसी होगी, ये सारी चीज़ें। फिर दे रखा है होलसेल और रिटेल रिसर्च यानी थोक एवं फुटकर अनुसंधान, फुटकर अनुसंधान। ठीक है, उसके बाद दे रखा है आपका कीमत विश्लेषण एवं निर्धारण, प्राइस एनालाइज करना है। जब भी हम एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं तो उससे प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइस एनालाइज करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रख रहे हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट बात करते हैं वितरण लागत अनुसंधान, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि चैनल कितने होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उन दोनों में कितनी क्या कॉस्ट आती है उसका पहले से ही अनुसंधान करना एक मार्केट एक प्रोडक्ट के लिए बेटर होगा। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन अनुसंधान, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा, देन उसके बाद है विज्ञापन की जो भी कॉपीज है उनका अनुसंधान, विज्ञापन पत्री प्रति अनुसंधान। उसके बाद आता है आपका विज्ञापन का चैनल कौन सा लेते हो, टीवी न्यूज़पेपर मैगजीन कौन सा चैनल लेते हो, वो भी आपको पहले रिसर्च करना है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद है कि आपके मार्केट में आप क्या करते हो, जैसे टेस्ट मार्केटिंग हम आगे पढ़ेंगे भी टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है। तो टेस्ट मार्केटिंग में मार्केट में जहाँ हम जिस मार्केट में अपना सामान बेचना चाहते हैं उस मार्केट में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का कुछ जो भी
छोटा सा या स्मॉल जो भी आपका पार्ट होता है उसको हम पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिकली वहाँ लगाते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो उसका प्रायोगिक अभियान चलाना, और फिर है कि हमारे मार्केट को और हमारे मार्केटिंग को जो भी अफेक्ट करते हैं उन सारे फैक्टर का अनुसंधान करना है, उन सारे घटकों का, बाजार को जो प्रभावित करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं, उन सारे घटकों का क्या करना है, अनुसंधान करना है, पहले से ही रिसर्च करके रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे हमारे स्पेसिफिक मार्केट एनालिसिस के फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस स्पेसिफिक मार्केट एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें सबसे पहला था, देखिए ये सारे दे रखे हैं, परिणात्मक, कंज्यूमर सर्वे, ट्रेंड एंड रिसर्च, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, थोक के प्राइस एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉपीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सॉरी एडवर्टाइजमेंट कॉपी, एडवर्टाइजमेंट चैनल, जो भी आपका प्रैक्टिकल, और फिर उसके बाद है आपके मार्केट और मार्केटिंग को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स। तो इस तरह से ये थे हमारे कि हमारे मार्केट को, जब भी हम एक फॉरेन मार्केट में जाते हैं तो हमारे मार्केट के दो टाइप को एनालाइज की ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो एनालिसिस था जनरल मार्केट एनालिसिस, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कस किया है स्पेसिफिक मार्केट एनालिसिस। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन की। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कह सकते हैं भूमंडल बाजार विभक्तिकरण, ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन। तो आइए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहता है ये ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइज पोटेंशियल कस्टमर्स इन टू अ ग्रुप दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर, सो इज बिजनेस कैन बेटर फोकस देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू मीट कस्टमर नीड्स। यानी कि बाजार विभक्तिकरण से आशय किसी वस्तु या सेवा के संपूर्ण द्विजातीय बाजार को अनेक उप बाजारों या खंडों में इस प्रकार विभाजित करने से हैं, जो प्रत्येक उप बाजार या खंड में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में सजातीयता हो। यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य है कि विभिन्न क्रेताओं के बीच में पाए जाने वाले अंतर का पता लगाना। यह अंतर वस्तुओं के चयन को प्रभावित करता है। इन शॉर्ट, विदेशी बाजारों का चयन करते समय विपणनकर्ता समान विशेषताओं के आधार पर बाजार को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है, ताकि विशिष्ट विपणन मिश्रण के साथ बाजार लक्ष्य बनाकर उन तक पहुंचाया जा सके। इन शॉर्ट, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब यह होता है कि जैसे पूरा एक मार्केट, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जितना भी आपके फॉरेन मार्केट्स है, उन सभी को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, ताकि हम जो जो एक सामान, जैसे एक पेन है, स्टेशनरी के जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स है वो एक ही मार्केट में अवेलेबल होंगे। जैसे आपके क्लोथिंग का एक ही मार्केट बना हुआ है। हाँ, ये बात है कि उसमें जो भी वैरायटीज होगी वो चेंज होगी, पर जगह एक होगी, उनका प्रोडक्ट एक होगा। तो जिससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी स्ट्रेटजी है, जितने भी मार्केटिंग मिक्स बनाए गए हैं, उन सबको बेटर तरीके से उस प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब भी यही है कि एक मार्केट को, फॉरेन मार्केट को, आप उनकी समानताओं के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, ताकि आपको हर चीज में इजी हो जाए कि आप किस तरह से ये काम करना चाहते हो। तो मार्केट सेगमेंटेशन में ग्राहकों की समान विशेषताओं के आधार पर, यानी कस्टमर यहां पर क्या चाहते हैं, या जैसे कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर में ही चले जाते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर में क्लोथिंग की क्या डिमांड रहती है, वेस्टर्न क्लोथ्स की। क्लियर है? यानी कि हमारे कस्टमर्स जो है हमारे प्रोडक्ट के, वो सिमिलर है, जो भी सिमिलर कस्टमर्स हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। तो वही होता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन, यानी बाजार को विभक्त कर देना, मार्केट का सेगमेंटेशन कर देना, विभक्तिकरण कर देना। क्लियर है? थोड़ा सा डीप और मीनिंग देख लेते हैं। इन अ ग्लोबल
context, the variable available for a global market segmentation increase dramatically with millions of potential customers consumers in multiple countries with different culture, tradition and preferences, how can one best establish global market segmentation to ensure successful expansion into new market. In short, a global market context, a variable available for a global market segmentation increase dramatically with the millions of potential consumer in a multiple countries with different culture, tradition and preferences. यानी वैश्विक संदर्भ में विभिन्न संस्कृतियों, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग परंपराओं के और अलग अलग प्रेफरेंस देने वाले कई देशों में ऐसे मिलियंस, लाखों पॉसिबल कंज्यूमर्स है जो वैश्विक बाजार विभाजन के लिए उपलब्ध चर नाटकीय रूप से बढ़ते हैं. यानी कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स है जो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं. नए बाजारों में सफल विस्तार सुनिश्चित करने के लिए कैसे सर्वोत्तम वैश्विक बाजार स्थापित कर सकता है, यानी कि हम कैसे ये बता सकते हैं कि हमारा जो ग्लोबल मार्केट है हम उसको बेस्ट एस्टेब्लिश, मतलब सफल होने के लिए, उसका एक्सपेंशन करने के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो ध्यान देने की बात है वो आपको ये है कि हर कस्टमर का नेचर, स्वभाव, व्यवहार, ये सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी आप उनको किन तरीकों से आप उनको कैटेगराइज करते हो, उनको किन तरह से समान विशेषताओं के आधार पर आप उनको विभाजित करते हो. तो ये था हमारा ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनमें जो भी समान जो ग्रुप है या फिर एक प्रकार के जो भी कस्टमर का हमारा ग्रुप है वो एक ही टाइप की वस्तु को चूज करता है. जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी वेस्टर्न क्लोथ का जो भी क्लोथिंग ब्रांड है उसमें अगर आपको एक जैसी टी शर्ट्स अवेलेबल हो रहे या एक जैसा कोई भी क्लोथिंग ब्रांड अवेलेबल हो रहा है तो जिसको जो पसंद आता है उनको, उन प्रोडक्ट को ही हम क्या करते हैं, हम अपने सेगमेंटेशन अपने मार्केट के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं. तो ये था हमारा मार्केट सेगमेंटेशन. आइए अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि बाजार विभक्तिकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं कि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव भी है. ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, क्लियर है?
अब उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या कहता है, ग्राहकों की समान विशेषताओं के आधार पर उनको बांटना है ताकि उनके ग्रुप के लिए हम क्या कर सके, एक बेहतर जो आपका मार्केटिंग प्रोग्राम है उसको लागू कर सके। चलिए, सबसे पहला है टू लोकेटेड और आइडेंटिफाई द टेस्ट बाइंग मोटिव्स नीड्स प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर एंड preferences of customer। यानी सबसे पहला मोटिव क्या है कि हमको क्या पता लगाना है कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसका बाइंग मोटिव क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस, क्लियर है। सेकेंड है हमारा टू डिटरमाइन मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टारगेट्स एंड गोल्स। यानी सेकेंड हमारा जो उद्देश्य है बाजार विभक्तिकरण का वो है कि हम अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को, टारगेट्स को और गोल को निर्धारित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टू मेक द एक्टिविटी ऑफ द फर्म कस्टमर ओरिएंटेड, यानी कि हम कैसी एक्टिविटीज करवाए टू मेक द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म कस्टमर ओरिएंटेड। फिर नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट में लिख देते हैं टू आइडेंटिफाई द एरियाज और सेक्टर वेयर द कस्टमर may be created an sphere of market of the market is expand। फिर नेक्स्ट है हमारा grouping of the customer on the basis of their homogeneous characteristics such as nature, habits, income, behavior। यानी ये पॉइंट ये कहता है कि हमको एक ऐसे कस्टमर के ग्रुप के बेस पर हमको मार्केट सेगमेंटेशन करना है, या फिर ऐसे कस्टमर का ग्रुप हमको ढूंढना है जिनकी विशेषताएं समान हो। जैसे कौन सी विशेषताएं, नेचर, हैबिट्स, इनकम, बिहेवियर और फिर बिहेवियर क्वालिटीज एंड
नीड्स, ये सारी चीज़ें उस कस्टमर के ग्रुप में सिमिलर होगी, तभी जाकर हमारा मार्केट सेगमेंटेशन सफल हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा आज का टॉपिक, जो मार्केट सेगमेंटेशन। इन शॉर्ट, हम वापस से एक बार मार्केट सेगमेंटेशन को डिस्कस कर लेते हैं, वापस से थोड़ा सा बता देते हैं कि होता क्या है मार्केट सेगमेंटेशन। कि बाजार विभाजन ग्राहकों की प्रकृति, स्वाद, गुण, धारणाएं, आदतें, आय, आयु, एज, उसका जेंडर, इन व्यवहार, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों की जैसी सामान्य विशेषताओं के आधार पर बाजार का विभाजन या उपखंड करना, इन सारी क्वालिटीज, इन सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके बेस पर हम क्या करते हैं, कस्टमर्स के ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को मार्केट के अनुसार, मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमने पार्ट डिवाइड किए हैं कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, वो हमारे ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन का ही पार्ट है, और उन्हीं को हम ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है बाजार विभक्तिकरण, ठीक है? तो बाजार विभक्तिकरण यानी बाजार को छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त कर देना, वो होता है हमारा बाजार विभक्तिकरण। तो आज का हमारा ये टॉपिक मार्केट सेगमेंटेशन और स्पेसिफिक मार्केट एनालिसिस यही खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम